राजस्थान विश्वविद्यालय में वर्तमान छात्र संघ को 7 महीने का वक्त हो गया है और इस वर्ष के चुनावों की घोषणा भी कर दी गई है। लेकिन इस छात्र संघ का कार्यकाल कैसा रहा, क्या खामियां रहीं और क्या उपलब्धियां, पेश है एक रिपोर्ट। छात्र संघ चुनाव में यूं तो कई छात्र नेता अपनी उम्मीदवारी रखते हैं और कुछ चुनाव भी लड़ते हैं, लेकिन जीतने के बाद यही छात्र नेता अपने वादों को कितना पूरा कर पाते हैं, इस पर कभी गौर नहीं किया गया। राजस्थान यूनिवर्सिटी में 12 साल बाद पिछले छात्र संघ चुनाव में पूरे पैनल पर NSUI के छात्र नेता काबिज हुए, जिनमें अनिल चोपड़ा अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए। उन्होंने अपने कार्यकाल को लेकर कहा कि उन्होंने जितने वादे घोषणा पत्र में किए थे वो सभी पूरे नहीं हुए, लेकिन उन्होंने अधिकतर वादों को पूरा करने की कोशिश की। इतने बड़े विश्वविद्यालय के अंदर CCTV कैमरे नहीं थे। हमने सबसे पहले हमारे छात्र संघ कार्यकाल में माननीय VC मोदी से मांग रखी कि इतने बड़े विश्वविद्यालय में CCTV कैमरे होने चाहिए। इसके लिए 52 CCTV कैमरे 55 लाख रुपए की लागत में विश्वविद्यालय में लगाए। इसके अलावा चाहे विश्वविद्यालय में डिग्रियों का मामला हो, चाहे छात्रावासों के अंदर महारानी महाविद्यालय में पानी की समस्या हो, छोटी से छोटी समस्या के लिए छात्र संगठन NSUI और राजस्थान विश्वविद्यालय पैनल ने विश्वविद्यालय में काम किया। अब बात करें पिछले चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार की, तो उन्होंने वर्तमान अध्यक्ष पर जीतने के बाद कैंपस से नदारद रहने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि उन्होंने छात्र हितों पर एक भी उपलब्धि हासिल नहीं की। देश विदेश से लोग आए डिग्री लेने, उस ऐतिहासिक कार्यक्रम का छात्र संघ ने विरोध किया। उसके पश्चात एक भी आंदोलन छात्र संघ ने नहीं किया, एक भी स्टूडेंट की मांगे छात्र संघ ने नहीं उठाई। हमारी विश्वविद्यालय की एक छात्रा के साथ छेड़खानी, उस समय भी छात्र संघ नाराज रहा और यहीं छात्र संघ कार्यालय पर आके लड़कियों ने प्रदर्शन किया और इनको इस्तीफा देने की चेतावनी दी कि आप इस्तीफा दे दीजिए। ऐसा छात्र संघ के इतिहास में कभी नहीं हुआ। ये छात्र संघ बिल्कुल विफल है। ऐसा छात्र संघ मैंने मेरे जो मैं जब से विश्वविद्यालय में आया ऐसा छात्र संघ मैंने देखा नहीं। इस छात्र संघ को 0 अंक दिए। हालांकि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप कोई नई बात नहीं है, लेकिन जरूरी है कि छात्र नेता छात्र संघ का सही मतलब समझे और जीत के बाद वादों को भी पूरा करें, जिससे छात्र संघ पैनल पर छात्रों का विश्वास बरकरार बना रहे। A1 TV के लिए जयपुर से राहुल भारद्वाज की रिपोर्ट।